आज 2 जनवरी है, मेरा बर्थडे का दिन है, तो आज हम लोग का ग्रुप पिकनिक मनाने का प्लान है और वहीं पे ब्लॉगिंग किया जाएगा कांति वाटरफॉल का। रात के 12 बजे बच्चों ने गार्डन के फ्लावर से बुके बनाया और सरप्राइज तो किया। अब जर्नी स्टार्ट होता है। तो गाइस जब हम चले कांति फॉल की तरफ, रास्ते में कहीं से केक लिया जाएगा, तो मिल गया केक। उड़ू से केक लेने के बाद हम रांची उड़ू चंदवा लातेहार रोड में चल पड़े हैं, जो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर में इसका। कहाँ जा रही हो? कांति फॉल। ठीक है चलो। उड़ू 16 किलोमीटर आइए, साइड में आपको इसका बोर्ड और गेट दिखाई देगा। टेंशन गर्ल यहाँ पे है। हाँ तो सुना, शादी करेगी वही नक्सलहट एरिया में। तो इधर ऊपर से हम लोग आए हैं और ये बहुत स्लिपरी पोजीशन है, तो ये कांति फॉल है जो नक्सल बेल्ट एरिया होने की वजह से बहुत सालों से यहाँ पे टूरिस्ट कम आते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट का पॉजिटिव सपोर्ट है तो लोग बहुत आ रहे हैं। आफ्टर 20 इयर्स इस जगह का फिर से विजिट हो रहा है। तो आज किसी का बर्थडे है। तो गाइस ये है कांति फॉल, प्रकृति की गोद में भरा, लेकिन बहुत रिस्की है, इसलिए सावधानी से यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट टॉप पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से गिरने पर कोई सीन नहीं है कि आप बच पाओगे। ये झारखंड के डिस्ट्रिक्ट के उड़ू ब्लॉक के अंदर हेसला विलेज है, इसके अंदर में यहाँ पे ये फॉल है जो काफ़ी खूबसूरत है। अभी सूरज ढलने वाला है तो काफ़ी नज़ारा काफ़ी जबरदस्त। देखिए यहाँ पे एक सनकी आदमी पहाड़ चढ़ने का कोशिश कर रहा है, चढ़ने का तो सक्सेसफुली चढ़ गया है, लेकिन जरा से भी चूक होने से मौत पक्की है। अब इसने पी रखी है या नहीं ये तो वही जानेगा, लेकिन गजब का डेयरिंग है बंदे में, कुछ तो बात है। क्या कर रहे है यार तू? तो मजाक है क्या? लेकर के बेवजह का अपना लाइफ को जान अपना जान को जोखिम में डाल के मस्ती कर रहा है, और वो भी अकेले, पता नहीं इसके ग्रुप वाले कहाँ हैं और किसी ने इसे कुछ कहा नहीं, और फाइनली ये यहाँ पे चढ़ गया अपना जो पहाड़ चढ़ने का जो डेयरिंग था वो कंप्लीट कर लिया। अब इस बंदे को अवार्ड मिलना चाहिए जो जान जोखिम में डाल करके इस पहाड़ में चढ़ गया। क्या सीन है? ऐसा ड्रिंक किया था पता नहीं। तो गाइस ये है कांति फॉल का ग्लो वाटरफॉल, आप देख रहे हो कितना मजा आ रहा है, तो काफी रिस्की है, आ रहा है। अरे हम लोग कांति फॉल करना में आए हुए हैं। ये है हाय, आने के समय तो बहुत
आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं नज़ारा कितना हाइट है। ये फॉल 200 फीट ऊंचा है, इसका नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे आइएगा तो जितना भी मन में डर होगा सब खत्म हो जाएगा, यहाँ प्रकृति की गोद में आप खो जाइएगा। देखिए नज़ारे कितने मस्त हैं। अभी हम लोग फोटो खींचने का ये तो अभी बर्थडे का तैयारी हो रहा है। केक तो जलाओ, उसी से सबको जलाओ। एक बच्चा को पकड़ना, ये तो केक का चक्कर में देखो चू गया। देखिए ना दुकान में चलो तो अभी कांति फॉल में बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा है। हम लोग का चिकन ग्रेवी तुम लोग के लिए, और ये इसको कौन सा पीस, पंजाबी हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अब शाम के 4:30 बज गए हैं। अब हमारा टीम जो है बाय बाय का टाइम हो गया है कांति फॉल। अब ये जो है थोड़ा फोगी हो जाएगा कुछ देर बाद वेदर। तुसी जा रहे हो कांति वाटरफॉल का मनोरम दृश्य तो आपने देख ही लिया है। तो आपसे आग्रह है कि जब भी आप यहाँ आए तो अपने फुल अरेंजमेंट के साथ आएँ, खाने पीने का व्यवस्था लेके आए, अपना व्हीकल अपना ले आए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर ही अरेंजमेंट हो पाएगा। इतना हाइट चढ़ के आए सांस फूल गया। अरे चना जो बोलते हैं वो सब मिलेगा, वाटर बोतल मिलेगा, आपको खाना लेकर के आना। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। तो कांति फॉल का पार्टी खत्म हो गया, अब घर में थर्ड पार्टी करना है, तो मिलते हैं वहाँ पे। आप फ्लाइट से रांची तक आ सकते हैं और उसके बाद ट्रेन मार्ग है लातेहार लोहर तक का, दोनों में आ सकते हैं। डिस्टेंस आपको शो किया हुआ है, मेंशन है, देख लीजिएगा। तो गाइस इस तरह के खूबसूरत मोमेंट का एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ट्रेन या बस का जर्नी ले सकते हैं। अगर आप
पर्सनल कार या बाइक ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये वाला पल आपको बहुत खूबसूरत देगा। जय हिंद, जय भारत, फिर भी